हे hey, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक रूस में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ MIUI 10 के लेटेस्ट ग्लोबल बीटा अपडेट के बारे में। जो कि वो अपडेट है वो है 8.12.6 यानी कि 6 दिसंबर 2018। ये अपडेट हमको मिला है 7 दिसंबर को, क्योंकि ये हर फ्राइडे को हमको मिल जाता है। सो गाइस, कुछ डिवाइस के लिए सस्पेंड तो नहीं हुआ है, बट उसमें अभी तक आया नहीं है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि आपको 2-3 दिनों में वो अपडेट मिल जाएगा अगर वो सस्पेंड नहीं होता है तो फिलहाल मेरे पास रेडमी नोट 4, उसमें जो अपडेट है वो आ चुका है। तो चलिए गाइस, वो हम देख लेते हैं कि व्हाट्स न्यू में क्या लिखा हुआ आता है। तो हम जाते हैं व्हाट्स न्यू में, तो यहाँ पर हर बार की तरह यही लिखा हुआ है कि सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव एंड सिक्योरिटी स्टेबिलिटीज इंप्रूव। तो इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूँ और क्या कुछ नया इसमें आया है। तो गाइस, पिछले अपडेट में मैंने बताया था कि जो हमारा कैमरा है उसमें अपडेट नहीं आया था, वहाँ पर आपको 10 सेकंड से हटाकर 15 सेकंड को करना था, तो वो पिछले अपडेट में तो नहीं किया था, बट इस अपडेट में कर दिया है। हालांकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया हुआ हूँ, इसलिए वो वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। तो इसके अलावा हम बात करते हैं कि और क्या कुछ नया इसमें आया है। तो अगर आप जाओगे MIUI फोरम पर, तो MIUI फोरम पर काफ़ी सारी यहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई है। तो सबसे पहले गुड न्यूज़ है पोको F1 के लिए, क्योंकि अगर आपके पास है पोको F1 तो उसमें 960 FPS का वीडियो है वो सुपर स्लो मोशन में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्लो मोशन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे Xiaomi के डिवाइस में इसको रोल आउट कर दिया जाएगा। इसके बाद है ऑटोमेटिक ब्यूटी मोड इन पोर्ट्रेट मोड रेडमी नोट 5 प्रो। तो जो Redmi Note 5 Pro है उसमें जो ब्यूटी मोड आता है सेल्फी लेने तक, वो उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी तो उसको फिक्स किया गया है। इसके अलावा है द ऐप सेक्शन ऑन द सेटिंग गोट स्ट्रक्चर रिवैम्प ऑप्टिमाइजेशन। गाइस, यहां पर आप सेटिंग देख सकते हैं कुछ डिवाइस में क्या हो रहा था कि यहां पर जो ओवरलैप हो जाता था, तो इसको इस बार सेट कर दिया है, इसको काफ़ी अच्छा कर दिया है। इसके अलावा हम बात करें तो जो वाईफाई है, कैन नॉट कनेक्ट वाईफाई एफ आफ्टर अपडेट इन मी मैक्स 2S, अगर आपके पास है तो इसको भी सॉल्व कर दिया है। इसके बाद देखिए, रेडमी नोट 5 को यूज़र के लिए ट्रांसलेशन इशू आ रहा था रिसेंट मेनू में, तो इसको भी इस बार सॉल्व किया जाएगा। पोको F1 में एक और दिक्कत थी जो कि थी स्क्रीन ब्लिंकर की, तो इसको भी इस बार सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद दे रेडमी नोट 5 प्रो, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम है वो रेडमी नोट 5 प्रो के ही रिलेटेड है, तो इसमें काफ़ी सारे सॉल्व किए गए हैं। फोन हेड स्टॉप, अगर जो आपका डिवाइस है वो वोडाफोन या आइडिया या जियो पर वर्क कर रहा था, तो कभी कभार क्या हो जाता था, ऑटोमेटिक डिसकनेक्ट हो जाता था, तो इसको भी इस बार सॉल्व किया गया है। गैस, इसके अलावा और कुछ नया इसमें नहीं आया है। अगर कुछ नया आया होगा तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा अथवा कम्युनिटी टैब में इसको पोस्ट कर दूंगा। तो गैस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।